गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पूज्य सद्गुरुदेव स्वामी निखिलेश्वरानंद जी सत्ययुग से लेकर कलयुग तक के जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी शास्त्रों में मंत्रों द्वारा और यंत्र द्वारा भगवान को प्रत्यक्ष करने का विधान अपनाया है, चाहे वो किसी धर्म से संबंधित हो, उन्होंने उसके बारे में अपनी पूरी जानकारी और पूर्ण विद्या उसके बारे में वे पारंगत हुए। और उनकी यह क्रिया आने वाले पीढ़ियों के लिए, वो ऐसा ही नहीं कि परमेश्वरों के ग्रीक के तंत्र को भी जानते थे, उनका कथन यही था कि ये विद्या है और इस विद्या को जिस तरह हम अगर अवगाहन नहीं करेंगे तो हमें संसार में हमारी विद्या का प्रमाण हम नहीं दे सकेंगे। यही कारण हुआ गुरुजी का कथन यह था कि सत्ययुग से लेकर भाषाएं बदलती गई या देवभाषा को संस्कृत को ही मान्यता प्रदान की गई और इसी को चलकर आगे मनुष्य चलते गए। लेकिन युग के बदलते बदलते जब द्वापर युग आ गया तो तब गोपिकाओं के साथ गायों को हांकने वाले उनकी भाषा व्रज की भाषा कहलाने लगी, अयोध्या की भाषा अवधी कहलाने लगी और वे संस्कृत को अपभ्रंश करके बात करने लगे। तब लोगों को अपनी भावना व्यक्ति अभिव्यक्ति देवताओं के सामने करने का विधान नहीं मालूम। तो यहाँ प्रश्न ये उठता है कि क्या ब्रज में बात करने वाले, अवधी भाषा में बात करने वाले और दूसरी भाषाओं में बात करने वालों की पुकार भगवान सुनते हैं या नहीं। अपना जब द्वापर युग समाप्त हो रहा था और वे ही गोपिकाओं के साथ ब्रज में बात करते थे, गोपिकाओं का गीत सुनते थे, अपनी वेणु वादन सुनवाते थे, उन्हें लगा कि अगर ऐसा ही रहा तो कलयुग में तो संस्कृत सब भूल जाएंगे, संस्कृत का अपभ्रंश हो गया, फिर आगे हो कैसा, इन जनता का, इन मनुष्यों का, इन प्रजाओं का क्या होगा। भगवान श्री कृष्ण चिंतित थे। जब द्वापर युग समाप्त हो रहा था तब उन्होंने एक निर्णय लिया और उन्होंने कहा कि मेरे नवनारायणों का जो अवतार है उन सभी को बुलाकर उनको यह बात बतलाई गई कि आगे संस्कृत चले गया तो क्या दूसरी भाषाओं में भगवान नहीं सुनेंगे, भगवान की पुकार सुनने के लिए क्या करना होगा। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, वो नारनारायण पर्वत पर आज जिसे बद्रीनारायण या बद्रिकाश्रम कहा जाता है, वहाँ नारनारायण लोक कल्याण के लिए हमेशा बैठे हुए रहते हैं। तब उन्होंने निर्णय किया कि आज संस्कृत भाषा लोप होती जा रही है, संस्कृत भाषा बात भी करते हैं कि लोग अपभ्रंश बात करते हैं, संस्कृत उच्चता से श्रेष्ठता से बात नहीं कर सकते, ये देवभाषा हो या देवनागरी लिपि हो, हम लिपि को उसी तरह रखेंगे लेकिन भाषा बदलेंगे, भाषा इस भाषा से देवता प्रसन्न हो ऐसा किस तरह हो सकता है, क्या करना चाहिए। तब नारायण पर्वत पर श्री कृष्ण गए और अपने सभी सखाओं के साथ कहकर कहा कि नवनारायण ही अपने शरीर के नवरंध्र है या नवग्रह है या फिर नवदुर्गाएं हैं, नवशक्तियां। वो नवनारायण जब आए उन्होंने बुलाया और कहा कि भारत ही नहीं सारे संसार में संस्कृत अपभ्रंश चल रहा है, संस्कृत की भाषा किसी को बोलने नहीं आती और वो अपभ्रंश के साथ बात करते रहे हैं। तब उस भाषा में सिद्धि कैसे प्रभाव और उसका उच्चारण भी ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब द्वापर युग समाप्त हो रहा है, कलयुग में हम सभी को अवतार लेना है और अवतार लेकर ही चुप नहीं बैठना है, अवतार लेने के बाद हमें जो भाषा वहां है उस भाषा के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करने का बोलने के बाद वो सिद्ध भाषा है, उस सिद्ध भाषा को अगर हम अपभ्रंश भाषा के साथ जोड़ दिए जाएं तो उसकी सिद्धि कैसे मिलेगी, भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, वो भाषा को समझेंगे कैसे, अभिव्यक्ति कैसी होगी, ये तो होने वाली बात नहीं। तब श्री कृष्ण ने कहा तपश्चर्या से ऐसा कोई विधान नहीं है कि कोई सिद्ध नहीं होता, असंभव कार्य भी संभव होने लगते हैं अगर तुम्हारी तपश्चर्या ठीक हो। तो उन्होंने कहा प्रभु आप जैसी आज्ञा करेंगे हमें करना है। ऐसा नवनारायणों को कृष्ण भगवान नारनारायण ने आज्ञा दी और नारनारायण ने कहा कि हमें कौन से अवतार लेना है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप सभी लोग अयोनिज होकर पैदा होंगे, अयोनिज का मतलब होता है माता के गर्भ से नहीं, आप ब्रह्मवीर्य से पैदा होंगे,
और आप ब्रह्मवीर से पैदा होने के बाद आप में जिस भाषा का जिस शक्ति का उद्भव होगा, आप जो बात करेंगे उसको सिद्धि के लिए आपको तपश्चर्या करनी होगी और उस तपश्चर्या से ही तुम्हारी भाषा का, तुम्हारे मंत्रों का प्रभाव दूसरे पर पड़ेगा। तो ने कहा प्रभु आप आज्ञा दो। तब इस सभी नवनारायण अवतार लेने के लिए गए और भगवान कृष्ण ने आज्ञा दी कि तुम्हें किस किस प्रकार का अवतार लेना है। उन्होंने नव नारायण को कहा कि आप कवि नारायण, हरि नारायण, अंतरिक्ष नारायण, प्रबुद्धि नारायण, पिपलायन, ऐरहोत्र, चमस, धुर्मिल और कर्मभंजन, ये नवनारायण कहलाए जाते हैं। इन नवनारायणों को भी अपनी अपनी भाषाओं के साथ उनको जब जन्म लेना था तो उन्होंने कहा कि मुझे क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, चटभंगीनाथ, इस प्रकार रेवड़नाथ के नव नारायणों के रूप में आपको जन्म लेना है और जो भाषा अपभ्रंश हो गई है उस अपभ्रंश भाषा को तुम्हें सिद्ध करते हुए, लोगों के चलते बोलते भाषाओं में उसको सिद्ध करते हुए देवताओं के प्रसन्न करने का विधान बताना है। नवनाथों ने जन्म ले लिया। नवनाथ जब जन्म ले लिए तो पहले आयोनिज हुए मत्स्य के ब्रह्मवीर्य, जहाँ मत्स्य ने ग्रहण किया तो वो मच्छिंद्रनाथ जैसे ही ब्रह्मवीर्य यमुना नदी के तट पर कृष्ण जहाँ भगवान बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कि अब मुझे अवतार लेना है, तो ब्रह्मवीर्य वहाँ पड़ा और मच्छी ने उसे निगल लिया। वो मच्छी में वो पिंड बढ़ने लगा। तब एक दिन बैठे बैठे शिव पार्वती दोनों ने भी आप निरंतर रोज तपस्या में रहते हो, योग बनकर कोई ना कोई तपस्या में समाधि बैठकर किसका ध्यान करते हो, किसका मंत्र करते हो? आप मुझसे बात भी करते हो तो कभी भी ध्यानमग्न बैठे समाधिस्थ होकर बैठते हो, तो कौन है आपका देवता ऐसे जिसका ध्यान करते बैठते हो, ये तो मुझे भी तो बताओ। तब भगवान शंकर जी हंसे और कहा ये बहुत रहस्य की बात है, हम ऐसा करेंगे कि कहीं ऐसी गुफा में, ऐसे रहस्य प्रदेश में जाएंगे जहाँ अपने को कोई देखता ना हो, वहां मैं तुझे मंत्र का उपदेश दूंगा। दोनों वृषभारूढ़ हुए, बैल पर शंकर जी के वाहन पर बैठे और दोनों आकाश मार्ग से जाने लगे। जाते जाते क्या हुआ, देखा ये कि भगवान कृष्ण अपने गोपिकाओं के साथ रासलीला कर रहे थे। माता पार्वती ने कहा कितना दृश्य सुंदर है। शंकर जी भी वहीं रुक गए, वो यमुना नदी का किनारा था। जब भगवान कृष्ण की रासलीला दोनों ऊपर देख रहे थे तो राधा पार्वती जी ने कहा क्या हम उस रास में भाग लेंगे? बोले तू तो मेरे से ज्ञान प्राप्त करने आई थी इस रासलीला में, ये तो कृष्ण की माया है, भगवान अच्छे अच्छे लोगों को अंदर डाल लेता है, ये सब माया में पड़ गई तो तू विद्या कैसे प्राप्त करेगी? माता पार्वती को लगा अरे भाई विद्या बाद में प्राप्त करेंगे, पहले तो कृष्ण के साथ वहाँ रास में जाएंगे। भगवान श्री विजय ने कहा अगर तेरी ही ये स्थिति है तो फिर मथुरा यमुना तीर वालों की क्या स्थिति होगी? तू पार्वती माता महामाया आदि माया कहलाई जाती है, तुझे ही माया में डालने वाले श्री कृष्ण इतना करते हैं तो इनसे उभरने के लिए जब तक विद्या प्राप्त नहीं होती तब तक आगे कुछ होने वाला नहीं। शिवजी ने मन ही मन ध्यान किया, कृष्ण का, नारायण का, अपने गुरु का ध्यान किया और कहा माता पार्वती इस मोह में रासलीला में आने की कहती है जबकि वो विद्या मंत्र के लिए मेरे से लेकर यहाँ आई थी, अब तुम ही इसी माया में डालो तो विद्या का बोध कब होगा, कैसे होगा, कार्य कैसे होगा? कृष्ण ने भगवान शिवजी की बात सुन ली, शिवजी की बात सुन ली और एक ही मिनट में कृष्ण अपने रासलीला के गोपिकाओं के साथ से वहां से अदृश्य हो। इस मंत्र को जो सिद्ध किया, जिसने इस मंत्र को प्राप्त किया वो इस संसार में असिद्ध हो ही नहीं सकता, अविद्यावान हो ही नहीं सकता, वो मूर्ख हो ही नहीं सकता। कितना भी मूर्ख हो अगर वो इस मंत्र को पढ़ता है तो विद्यावान और वो बहुत ज्ञानवान हो ही जाएगा, ऐसा शिवजी ने कहा। माता पार्वती ने कहा कि फिर तो बताओ तो सही। बहुत देर होने के बाद शिवजी मंत्र कहने के लिए जैसे ही कान के पास गए और मंत्र कहने लगे तो उनको देखा कि कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो उन्हें दूर बिठाकर माता पार्वती को उस विद्या का मंत्र, जो पहली बार शिव जी ने माता पार्वती को विद्या का मंत्र दिया ताकि जिसकी समाधि, जिसके मंत्र के कारण भगवान शिव जी इतने श्रेष्ठ, इतने विद्यावान कहलाने गए, वह मंत्र आज माता पार्वती को प्रदान कर रहे थे, वो माता पार्वती को प्रदान कर रहे थे। तो माता पार्वती ने मंत्र तो सुना लेकिन एक बार पहली बार सुने नहीं आया, तो माता पार्वती ने जोर से उस मंत्र का उच्चारण किया। उच्चारण करते ही शिवजी ने कहा जोर से उच्चारण किया तो फिर कहा कि तूने यहाँ गलती की, और शिवजी ने फिर मंत्र का, मंत्र जोर से कहने के कारण उस यमुना नदी में
मत्स्येंद्र नाथ जो मत्स्य के पेट में पिंड में बैठे हुए थे उन्होंने वो मंत्र सुन लिया। मंत्र सुन लिया तो माता पार्वती उस मंत्र को देखते ही वो ज्ञानवान हो गई और सिद्धि समाधिस्थ हो गई। शिवजी ने कहा तू मंत्र पढ़ रही हो, मंत्र का ज्ञान तुझे मालूम हुआ, इस मंत्र से तुझे क्या क्या ज्ञान मिला है? तो माता पार्वती तो समाधिस्थ होगी तो उसके मुख से तो कुछ नहीं आया, लेकिन जो मत्स्य में बैठे हुए मत्स्येंद्रनाथ थे उन्होंने कहा मुझे सब पता चल गया कि ये सब ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं, यहाँ का हर एक कण हर एक अणु से लेकर ऊपर तक सब ब्रह्म में है, इस ज्ञान को मैं जान गया। ये बात शिवजी ने पलट कर देखा तो ये कहाँ हुआ, तो मत्स्य के गर्भ में बैठे हुए मत्स्येंद्रनाथ से निकला। तब शिवजी ने कहा जिस विद्या के लिए लोग तड़पते हैं उस विद्या को इसने प्राप्त किया, आगे का कार्य करने के लिए भगवान कृष्ण ने ही यह रचना रची है, यह माया रची है, और उन्होंने कहा कि आगे तुझे इसके पेट से जल्दी जन्म लेकर आगे आना है। माता पार्वती को उन्होंने कहते हुए कहा कि आज कलयुग का आरंभ हो गया है, अब लोग देवभाषा संस्कृत को भूलकर अगली भाषा के लिए जाएंगे। तो माता पार्वती ने कहा ऐसा कौन सा यह मंत्र है जो तुमने इसको कहा और ये बात आगे भाषा देवभाषा न होते हुए और कौन से विधान से यह प्रसिद्ध होगी? तो उन्होंने कहा सा वरम ददाती, मैं अच्छे इससे मैं वर प्रदान करते हुए तुझे ये जो विद्या प्रदान किया हूँ ये सावर है। सावर का मतलब है सवर से देने वाला, अच्छे उद्देश्य के कारण वर देने वाला, और यह सावर ही आगे चलकर सावर हुआ और यही सावर मंत्र सावरी विद्या कहलाएगी। बाद में इसके इससे भगवान शिव जी ने आगर की सावर विद्या को सभी को प्रदान करने का कारण हुआ। मत्स्येंद्रनाथ जी ने वो विद्या ग्रहण की और वे जब बाहर आए ब्रह्मा मच्छी उस मच्छी को लेकर एक दिन एक मछुआरा वहां से जा रहा था, उसने मच्छी को उठाया, जब उसे काटने गए तो उसमें से उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बाहर आया है। जब वो मछुआरे की पत्नी ने उन्हें देखा और उसने उठाया तो उसे लगा कि कितनी श्रेष्ठता के साथ एक अच्छा बालक आया है। उस बालक को उसने गले से लगा लिया, उठा लिया, बहुत प्रेम करने लगी, दूध भी आया, देखने लगी तो यही श्रेष्ठता के साथ उन्होंने उसका पालन पोषण करना आरंभ किया। ये जब बालक बड़ा हुआ, थोड़ा थोड़ा बड़ा होते हुए आगे चला, बड़ा होते हुए आगे चला तो उस बालक को मछुआरे ने, जैसा मछुआरे की विधि होती है कि मछुओं को पकड़ना, उसको ले जाके काटने के लिए दे देना, चले जाना। तो एक दिन उसने कहा बालक को ये मैं जाली से मछुआरे निकाल कर मछियां बाहर डाल रहा हूँ, इसको सुखा देना, अच्छे तरह डालना, अपने को बेचने के लिए जाना है। मत्स्येंद्रनाथ वहाँ बैठे थे। मत्स्येंद्रनाथ लगा कि मैं मेरे माँ को लेकर पेट में बैठा था, अगर ये भी मच्छी मरे हुए से डालते और ख़त्म कर दे तो मुझे भी काट के फेंक दिया जाता था, मेरा बाप बहुत गलती करता है, मछियों को यहाँ डालता है। वो जैसा ही मछुआरा मछियाँ लाने के लिए अंदर गया, इन्होंने जो बाहर मछलियों को सुखाने डाला था एक ही मच्छी उठाकर फिर समुद्र में डालने लगे। जब आया और पूछे क्या हुआ मच्छियाँ, मैं बोले पानी में डाल दिया, मूर्ख है वहाँ मछियाँ बिना मछियों को पीछे कैसे खाएंगे, तो मछियाँ अंदर डाल रहा। एक बार समझाए, दो बार समझाए, तीन तेरी बात करता हूँ, उन्होंने एक लकड़ी से उनको मान दिया और मारने के लिए उद्यत हो गए। जैसा ही मारने के लिए उद्यत हो गए उन्होंने अपना मंत्र बोला, मंत्र बोलते हुए उनके बांधे हुए छुट गए और वो वहाँ कुछ एक मनुष्य भी नहीं है, कुछ देखने के लिए नहीं, खाने के लिए नहीं, सब पत्थर, सब कुछ भी नहीं, हिम पड़ा हुआ है, वहाँ कुछ भी नहीं है, क्या करना चाहिए। वे भूखे पैसे वैसे ही बैठ गए, लेकिन उनको शिव जी का दिया हुआ मंत्र उनको याद था और वो मंत्र को बोलने लगे, उनको भूख प्यास सब मिट गई और वो वैसे ही मंत्र करते 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 बैठ गए। थोड़े दिनों के बाद बद्रिकाश्रम में बहुत ही सिद्ध दत्तात्रेय जी वहाँ बैठे थे, उनको उस मंत्र की आग, उस मंत्र की शक्ति उन तक पहुँची और उन्हें कहा कि यहाँ कुछ हो रहा है। कर मत्स्येंद्रनाथ जी के पास आए, बोले तो यहाँ क्या कर रहा है, बोले 12 साल से यहाँ पढ़ा हूँ, इस मंत्र का उच्चारण कर रहा हूँ। शिव जी ने कहा यह मंत्र मेरा ही दिया हुआ। तब दत्तात्रेय भगवान ने कहा कि तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तेरा अवतार इसलिए ही हुआ है कि सा वरम ददाती, तू जिस वर से वर के माध्यम से तूने जो मंत्र किया है उस मंत्र की सिद्धि प्राप्त करने के लिए तुझे ये मंत्र को हम प्रदान कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से आया हूँ, मेरे बाप के लिए कुछ ना कुछ मार्ग बताना चाहिए, तो तुझे अगर इस सावरम ददाती, इस सावर मंत्र में सिद्धि प्राप्त करनी है तो तुझे सप्तशृंगी जाना होगा, नासिक तुम जानते हो, जहाँ मार्कंडेय भगवान ने दुर्गा सप्तशती लिखी थी। दुर्गा सप्तशती का लिखने का कारण, जब माता बहुत अपनी अष्टभुजाओं के साथ युद्ध करके थक गई थी और खड़े हुई थी, तब मार्कंडेय महर्षि आए और माता को देखकर उनके आंखों में आंसू आए और कहा कि लोक कल्याण के लिए माँ तुम यहाँ इस पहाड़ पर इस पत्थर को पत्थर
पर अलसाए लिए यहाँ बैठे हुई हो, शांति से युद्ध करने के बाद जिस शांति के साथ आके बैठे हो, माँ मुझे वरदान प्रदान करो कि मैं तुझे ये देखकर, जिसे मार्तंड पर्वत कहा गया है, वहां जो भी जाता है उसको गड़बड़ी हुई भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद, वो सब लोगों ने अपने अपने इंद्रवृत्ति के कारण, पाप वृत्ति के कारण, ऋषियों को गलियां देने के कारण, वो सब लोग जाकर उस सप्तशृंगी में एक वट वृक्ष पर पत्ते बनकर बैठे हुए, सब देवता पत्तों के रूप में बैठे हुए, और तू अगर उन्हें सिद्ध करता है, उनसे वचन लेता है, तो तेरा कार्य होगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे क्या करना है। दत्तात्रेय ने कहा जो भगवान शिवजी ने मंत्र दिया है, तू जाकर उस मंत्र को उस वट वृक्ष के नीचे कर, तुझे विद्या प्राप्त होगी। मत्स्यनाथ जी सप्तशृंगी आए, माता को नमस्कार किया, मार्कंड महामुनि को दुर्गा सत्य स्थिति के रूप में नमस्कार किया, दुर्गा माता को नमस्कार किया और मार्कंड पर्वत पर तपस्या के लिए उस कुटवृक्ष के पास गए और उन्होंने अपनी तपस्या आरंभ कर दी। तपस्या जैसे ही आरंभ कर दी, पत्ते हिलने लगे तो कहा कि क्या है। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें सभी देवताओं को फिर देवता बनाकर यहाँ से भेज सकता हूँ, लेकिन शर्त एक है। क्या? मैं जो भी भाषा में मंत्र बोलूंगा आप बोलना, मैं वो मंत्र बोलते मैं तुम्हारी सहायता के लिए आऊंगा, तो तुम्हें पत्ते से देवता बना सकता हूँ, नहीं तो तुम पत्ते बन के ऐसे लटके रहोगे। सारे देवता बोले ये क्या है, मैं वरदान प्राप्त हूँ और दत्तात्रेय भगवान शिवजी ने मुझे वरदान दिया, तुम्हें अगर फिर देवता बनकर तुम्हारे स्वर्ग को जाना है तो मैं तुम्हें भेज सकता हूँ, लेकिन शर्त एक होगी, तुम सारे देवता मैं जैसा ही मंत्र बोलूंगा मेरे सामने प्रत्यक्ष होकर मुझे वचन देंगे कि मैं जब भी ये मंत्र बोलूंगा जो संस्कृत नहीं है, तो तुम उस मंत्र से तुम सिद्ध होंगे, इसका वचन मुझे देना चाहिए, तब मैं तुमको यहाँ भगवान बनकर भेज देता हूँ। पहले तो सभी लोगों ने कहा ये क्या बातता है, क्या बोलता है, इसको ऐसा करने से ठीक नहीं होगा। दूसरे देवता ने कहा पहले जो कुछ भी वो वरदान देंगे यहाँ से भागेंगे, अपने को इंद्रलोक जाना है, पत्ते बनकर यहाँ बैठे हुए, किस दिन क्या होगा अपना हालत नहीं मालूम। एक एक देवता जैसा ही इसने मंत्र आरंभ कर दिया, मच्छिंद्रनाथ जी ने एक मंत्र एक एक देवता उतरा बोल। उन्होंने कहा मैं मंत्र बोल रहा हूँ, तुम्हारा नाम हनुमान है, मैं बोलूंगा हनुमान जी मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मंत्र ईश्वर वाचा, हनुमान जी प्रत्यक्ष हो जाओ तो प्रत्यक्ष हो जाएंगे, हो जाऊंगा भाई जाओ आपका काम हो गया। इंद्र भगवान आओ देवा, एक एक देवताओं को बुलाने लगा और मत्स्यनाथ ने एक एक को कहा बुलाया, एक एक से ये वचन लिया कि तुम मैं जैसे ही बुलाऊंगा तुम आएंगे मेरा काम करेंगे, इसका वचन दो तो मैं तुम्हें भेज देता हूँ। भगवान दत्तात्रेय और शिवजी के इस मंत्र के प्रभाव के कारण वटवृक्ष से पत्ते के रूप में जो देवता थे वो आए, उन्होंने उनको वचन दिया कि मैं तुम्हें सिद्ध होऊंगा, और वहां से वे उठकर एक एक करके देवता चले गए। इस प्रकार स्थावर विधान की मंत्र सिद्धि आरंभ हो गई। उन्होंने अपनी ब्रज भाषा में अपनी जो भी भाषा थी, जब वो बुलाने लगे, उस बुलाने के मात्र से उनकी उस वचन सिद्धि के कारण वो श्रेष्ठ होकर आगे जाने लगे और एक एक देवता आगे बढ़ने लगे। इस प्रकार वहां से सारे देवताओं को प्रसन्न कर मत्स्यनाथ जी अपनी यात्रा आरंभ करने के लिए निकले। वहां से आए हुए तो धीमा धीमा यात्रा करते हुए रामेश्वरम पहुंचे, जहाँ धनुषकोटी कहा जाता है, और हनुमान जी वहाँ नित्य वहाँ स्नान करने के लिए आते हैं, अपने भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन करने के लिए जहाँ वे थे। वहाँ जाते ही जाकर देखते हैं कि बंदर के रूप में हनुमान जी बैठे हुए थे। बैठकर देखते हैं कि बहुत जोर से तूफान और वर्षा आने वाली है, समुद्र उफान भरने वाला है। तो तभी हनुमान जी वानर के रूप में थे, उन्होंने बड़े बड़े पत्थरों को खोदा और समुद्र के पास उस सारे पत्थरों को रखे रखते और एक गुफा बनवाने की सोच रहे थे ताकि गुफा में जाके बैठे तूफान ना आए। तो उतने में मच्छिंद्रनाथ जी वहाँ आए, बोले अरे ये बंदर ये क्या कर रहा है, ये क्या अभी वर्षा हो रही तो अपना घर खोद रहा है, इसीलिए कहते हैं कि प्यास लगी तो कुआं खोदना, तो मूर्ख के मूर्ख बंदर है तुम लोग, ऐसे ही रह गए। हनुमान जी को आया गुस्सा, अरे तू है कौन, तू मेरे को बंदर बोलने वाला तू है कौन। तो मच्छिंद्रनाथ ने कहा मैं यति हूँ। यति का अर्थ क्या होता है, जहाँ इस संसार में कोई काम नहीं होता, यति यति यानी यमधर्मराज को जीतने वाले को यति कहा गया है, मैं वो हूँ, है ना। तो यम तो मरता नहीं इस संसार में, मैं एक ही यति को जानता हूँ, बंदर रूपी हनुमान ने कहा एक ही यति को जानता हूँ, वो हनुमान जी है जो उर्ध्वरेत जानते हैं और जो चिरंजीवी है, उसके बना दूसरा यति यहाँ कोई नहीं है। बोले तू हनुमान जी की बात कर किसी और, मैं भी यति हूँ। तो चलो दोनों की शर्त लग जाए कि जो जीता वो श्रेष्ठ कहलाएगा। उन्होंने कहा मेरी परीक्षा देखता है, हनुमान जी बहुत बड़े हो गए और एक एक पहाड़ को उठाकर मच्छिंद्रनाथ जी के ऊपर डालने लगे। मच्छिंद्रनाथ जी ने मंत्र कहा, वायु वेग का आकाश वेग का मंत्र कहा और स्थिर स्थिर कहा, स्थिर हो जा। वो जितने भी पत्थर डाल रहे थे वो आकाश में वैसे ही लटक रहे। हनुमान जी देख रहे, अरे ये तो बहुत बड़ा खतरनाक निकला मेरे से, पहाड़ पूरे रुक गए हैं। आखिरी को हनुमान जी को आया गुस्सा, उन्होंने कहा तो ऐसा करता है, उन्होंने बहुत बड़ा हिमालय जैसा पहाड़ उठाया और उनके ऊपर डालने गया। मच्छिंद्रनाथ बोले अब ये सुनने वाला नहीं है,
उन्होंने अपने वातास्त्र का प्रयोग किया कि हनुमान जी के एक तरफ का पूरा शरीर नीचे ढीला पड़ गया, उसको उनको जैसा पोलियो हो गया ऐसा हो गया और हनुमान जी गिरने लगे, हाथ से पहाड़ उनके ऊपर ही गिरने लगा। तब उनके पुत्र उनके पिता वायु भगवान भागते हुए आए और मत्स्येंद्रनाथ को हाथ जोड़ के कहा छोड़ दी, इसे छोड़ दे, ये गलती हो गई इससे। तो उन्होंने कहा ये तुम्हारा हनुमान मुझे वचन देता है, वहां उनको नमस्कार किया और कहा कि आगे ऐसी गलती नहीं करना। फिर भी जाते जाते एक बात मत्स्येंद्रनाथ जी ने कहा, भाई तुम्हें जब त्रिकालिक ज्ञानी हो तुम्हें सब पता था कि मैं यहाँ मत्स्येंद्रनाथ आया हूँ मंत्र करने वाला हूँ, फिर भी मेरे साथ ये झगड़ा लगा लिए, वाद विवाद क्यों करे? तो उन्होंने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ तेरे में आज मंत्र शक्ति है या नहीं, इसके लिए मैंने ये प्रयत्न किया और मैं आज जान गया कि तू सच्चा ऐसी है, आज से मच्छिंद्रनाथ ये थी कहलाएगा, ऐसा उन्होंने वचन दिया। तो उन्होंने कहा भाई तू एक ने ये प्रयत्न के ध्यान से अगर तू कार्य करता है तो तेरी सारी सिद्धियां तेरे साथ होगी, तेरे ऊपर संकट कोई भी आए टल जाएगा, कभी संकट तेरे ऊपर कोई किसी भी प्रकार का संकट तेरे ऊपर प्रभाव नहीं दिखलाएगा। तो उन्होंने कहा कि तुझे ये मंत्र करना है। बोले अभी 12 वर्ष हो गए यार तपस्या करते करते, फिर तू तपस्या करने के लिए कहा तो कब लोक कल्याण करूंगा, कब जाऊंगा, कोई तो भी इजी मेथड है तो कोई बता दे, इजी पद्धति है तो कोई बता दे। अब हनुमान जी को लगा इसको इजी पद्धति क्या बताऊं, उन्होंने कहा कुछ ऐसा कर जिससे मैं इस संसार में कुछ कार्य कर सकूं। बोले मैं कर सकता हूं लेकिन उसके लिए ताम्रपत्र चाहिए, यंत्र चाहिए, यंत्र को बनाना है, उसमें राम की प्राण प्रतिष्ठा करनी है, रामचंद्र जी को बुलाना है और रामचंद्र जी आने वाले उस यंत्र को अगर तू तेरे पास रख लेता है तो तुझे किस प्रकार किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचेगा। तो उन्होंने कहा ये तू करता है या मैं रामचंद्र जी को बुलाऊं? हनुमान जी बोले तेरे में इतनी शक्ति है कि रामचंद्र जी को बुलाएगा? उन्होंने कहा रामचंद्र क्यों नहीं बुलाऊंगा, मुझे वचन दिया है, पत्तों के रूप में वो बैठे हुए थे। उन्होंने रामचंद्र जी का ध्यान किया, रामचंद्र जी हाजिर। बोले ये आपके हनुमान जी मेरे को इतनी बड़ी कहानी सुनाए, यंत्र को बनाना है, प्राण प्रतिष्ठा करनी, ये सब देवताओं की देवनागरी लिपि में संस्कृत में ब्राह्मण शेषु महाराज करते थे एक जमाने में, यंत्र लाते थे, प्राण प्रतिष्ठा करते थे, होम करते थे, हवन करते थे या यज्ञ करते थे, ब्राह्मण भोजन तर्पण मार्जन ये सब करने वाले यंत्र सिद्ध हुआ बोल के यंत्र देते थे। अब ये तो मेरे पास है नहीं, मैं तो ये थी, मेरे पास ये होने वाला कुछ नहीं, अब आप ऐसी कोई ईजी पद्धति बताओ जिससे मेरे को इन सारी चीजों से मैं आगे बढ़ूं। रामचंद्र जी कहा ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा ठीक है फिर अब मैं अब देख लेता हूँ। मच्छिंद्रनाथ ने अपने गुरु को बोला कि ये मुझे सिद्धि प्रदान नहीं कर रहे और मैं और 12 साल रुकने वाला नहीं, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फ्रो मंत्र ईश्वर वाचा रामचंद्र जी वो सिद्धि मुझे प्रदान करेंगे या मैं वाद का प्रयोग वातास्त्र का प्रयोग करूँ। रामचंद्र जी बोले इसके साथ सरदर्दी है, ये कुछ होने वाली बात नहीं है, थोड़ी देर तो ठहर जा मैं बात करता हूँ, थोड़ी देर में एक क्षण भी ठहरने के लिए नहीं तैयार हूँ, मेरे को इस सिद्धि का मार्ग बताना चाहिए, मैं इस सिद्धि को लेकर ही यहाँ से जाऊंगा, जो बोले हैं तो लेके ही जाऊंगा, आपको कुछ करना है। हनुमान जी से बात करने आ रही है इससे क्या करना है प्रश्न हो जाएगी। और जो इसको मुद्रिका के रूप में अपने हाथ में डालता है उसके इसके जीवन में कभी किसी प्रकार का कष्ट आएगा नहीं और मैं 15 कलाओं के साथ उस मुद्रिका में रहूंगा। जो सुबह उठकर उस मुद्रिका का दर्शन करेगा उसके ऊपर किसी प्रकार के संकट उस दिन आए भी तो टल जाएंगे और इस मुद्रिका को जो छोटे बच्चे अगर और कोई भी स्त्रियां धारण करेगी तो उनके ऊपर किसी प्रकार का संकट नहीं आएगा, यह मैं वचन देता हूँ। ऐसे उन्होंने मच्छिंद्रनाथ से 15 कड़ाओं वाले श्री रामचंद्र ने उनको वचन दे दिया। तो उन्होंने रामचंद्र जी के चरण में प्रणाम किया और कहा कि उस यंत्र को किस तरह बनाना, मैं इसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि तूने जो मंत्र बोला है वो मंत्र इसको विशिष्टता के साथ इस मंत्र का उच्चारण किया जाए तो मैं कहता हूं कि उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसमें किसी प्रकार की पूजा करने का अवधान नहीं है, उस मुद्रिका को अगर जो धारण करेगा वो सर्वसिद्धियों को प्राप्त करेगा, उसके ऊपर किसी प्रकार का संकट नहीं आएगा, यह कलयुग में एक सर्वश्रेष्ठ मुद्रिका कहलाएगी। तो उन्होंने रामचंद्र जी के चरणों में नमस्कार किया और वहां रेती समुद्र के किनारे धनुषकोटी में थी उस रेती पर भी उन्होंने यंत्र को डाला और प्रभु के चरणों में नमस्कार किया। तो प्रभु ने कहा कि उस रेती को उठाकर उन्होंने मुद्रिका बनाई और मच्छिंद्रनाथ जी के हाथ में दे दी। उस मुद्रिका को उन्होंने धारण कर लिया, धारण करके कहा कि मैं इस संसार में उस श्रेष्ठता को प्राप्त करने की यह मुद्रिका कलयुग में सारी सिद्धियों को प्रदान करने वाली, इस मुद्रिकाओं को नवनाथ भी धारण करते हैं। साथ में कहा गया है कि हनुमान जी ने आज तक ये बात नहीं बोले, वो जिद्दी रहा, उसको तो दे दिया, मैं भक्ति करता रहा, आज तक ये मुद्रिका नहीं कुछ नहीं मेरे पास। तो मच्छिंद्रनाथ ने कहा अरे फिर मांगना है तो डायरेक्ट मांगना, मैं देता हूँ। हनुमान जी को वो कहने लगे तो हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं प्रभु रामचंद्र जी मेरे देवता हैं, वो मुझे देंगे। तो रामचंद्र जी कहते हैं कि हे हनुमान तू ऐसी क्यों बात करता है, इस मुद्रिका में तेरा भी वास होगा, मैं तो तेरे हृदय में बैठा ही हुआ हूँ,
इसलिए मैं तुझे आज यह वरदान देता हूँ कि यह मुद्रा का जो भी धारण करेगा, अगर इसके ऊपर अगर यह साबर मंत्र बोला जाएगा कि मेरी भक्ति गुरु की शक्ति गुरु मंत्र ईश्वर आवाजा, तो इसमें हनुमान जी भी इस मुद्रिका में बैठेंगे और रामचंद्र जी भी इस मुद्रिका में बैठेंगे और उनकी सहायता करेंगे। यह वरदान तो मच्छिंद्रनाथ को दे दे। मच्छिंद्रनाथ ने हनुमान जी की चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, रामचंद्र जी की चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि मेरे इस मंत्र को सिद्ध करने वाले आप सभी देवताओं को मैं नमस्कार करता हूँ और आज से यह मुद्रिका संसार भर में प्रसिद्ध हो जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा। और उस मुद्रिका को प्रसिद्ध, उस मुद्रिका को श्रेष्ठता प्रदान करते हुए ये कहा कि यह मुद्रिका जो भी धारण करेगा, जो भी सुबह उठकर इसका दर्शन लेगा, लेकिन यह वर्ष हर वर्ष इसको नयापन दिलाने के लिए समुद्र के किनारे इसको भिगोना होगा या समुद्र के किनारे जाना होगा, यह कहते हुए उस मुद्रिका को सिद्ध करते हुए उन्होंने प्रदान किया। तो जो मंत्र पहली बार भगवान शिव जी ने माता पार्वती को देने चाहा और जिसके कारण सारी विद्याएं हस्तांगत होती है, सारी विद्याएं सिद्ध होती है और सारी विद्याओं से ज्ञान प्राप्त होता है, मूर्ख भी पंडित कहलाया जाता है, ऐसे उस मंत्र को जिसने मच्छिंद्रनाथ जी ने पहली बार लिया वह मंत्र और दत्तात्रेय जिनको प्रसन्न हुए वह मंत्र और यह सिद्ध मुद्रिका आज इस संसार में बहुत कम लोगों को मालूम है कि यह विद्याएं आज भी है। आपको पहली बार बताता हूं कि मैं एक महीने के पहले गिरनार पर्वत पर गया था और वहां 3 दिन रहकर इस साधना को फिर एक बार भगवान दत्तात्रेय से सिद्ध करके आया आप लोगों के लिए। मैंने उपवास किया था 3 दिन, 3 दिन दूध पे रहा और वहाँ इस मंत्र को सिद्ध करते हुए गिरनार पर्वत पर उस मुद्रिका को और इस मंत्र को भगवान दत्तात्रेय जी जहाँ वास करते हैं, कहते हैं कि कोल्हापुर में वे भिक्षाटन के लिए आते हैं, काशी में स्नान करते हैं, माहौर में निद्रा करते हैं और तपस्या गिरनार पर्वत पर करते हैं, ऐसी गिरनार पर्वत पर मैं 3 दिन रखकर इस मंत्र को, इस सिद्धि को आपको प्रदान करने के लिए गिरनार पर्वत गया था। यहाँ गुजरात के साधक भी आए हैं, वो मेरे साथ थे और वहाँ मैंने उस मंत्र को सिद्ध किया और वहाँ से आया हूँ। और इस मंत्र की सिद्धि आप सब लोगों को इस कलयुग में, संस्कृत आप बोल नहीं सकते और संस्कृत आता नहीं, लेकिन बैठे बैठे इतने दिन हो गए, आप में भी कुछ ना कुछ ऐसा ज्ञान हो कि आपके ऊपर संकट ना आए, आपको आपकी आपको विद्या प्राप्त हो, इस प्रकार का मंत्र और ज्ञान आपको प्रदान करने के लिए, ताकि आपके आने वाले ये 2-3 दिनों में मैं जो भी साधना करूं या मेरे साथ जो भी काशी आने वाले हैं जहां भगवान दत्तात्रेय का और योगियों का हमने हमें दर्शन हो, इसके लिए इस मुद्रिका का धारण या और इस विद्या मंत्र का धारण, इस विद्या मंत्र को करना बहुत आवश्यक है। बहुत छोटा सा विधान है, मच्छिंद्रनाथ जी ने कहा है। मैं एक 15-20 मिनट में इस सरस्वती विद्या को, जो विद्या इसको कितना भी मूर्ख आदमी भी हो, केवल इस मंत्र को बोलने के बाद कहते हैं कि 1 महीने के अंदर वो कवित्व करने लगेगा। जब मूर्ख ही पंडित बनता है और जो अगर पंडित है तो उसको कितनी विद्या आगे हो, इसके बारे में भगवान शिवजी और मच्छिंद्रनाथ में जो विवाद हुआ, मच्छिंद्रनाथ ने कहा कि इसके लिए क्या करना चाहिए, माता पार्वती को शिवजी बताते हैं इसके बारे में और मच्छिंद्रनाथ जी कहते हैं, सारस्वत प्रथम यंत्रम तम वम वक्षामि सर्व सांप्रतम वेद शास्त्र पुराणानि काव्य व्याकरणानि च ज्योतिष भयजम कर्म सर्व विद्योपयोगितम विद्योपविद्यासं संधानां ज्ञानानां च परंतिदं सुगन्धैश्चाष्टगन्धैश्च पूरयित्वा विधानतः प्रक्षाल्य जलमध्ये तु क्षालयित्वा पिबन्नरः मासात् कविर् भवेत् पुनः 1 महीने के अंदर वो कवि बनता है तो क्षालयित्वा पिबन्नरः मासात् कविर् भवेत् नूनं षण्मासात् पंडितो भवेत् 6 महीने में पंडित बनता है वर्षास्त्र विधानज्ञ 1 वर्ष के अंदर वो सारे ज्ञानों को प्राप्त करता है सर्व विद्या विशारदः सारे विद्याओं को प्राप्त करता है मूर्खं पंडितताम याति किं पुनः पंडितो जनः मूर्ख ही पंडित बनता है तो पंडित और कितना विद्यावान होगा उसके बारे में कहने के अर्थ नहीं। इदम यंत्रम मया भद्रै गणेशाय समर्पितम हे पार्वती मैंने यह यंत्र पहली बार गणेश भगवान को दिया था जो विद्या के प्रदाता कह रहे जाते हैं भगवान शिव जी कहते हैं कि यंत्र मैंने पहले भगवान गणेश जी को दिया था गुरुवे गिरिजे दत्तम सब विद्या विभोहन और बाद में हे गिरिजा उमापति पार्वती हे यह यंत्र यह मंत्र मैं तुझे दे रहा हूँ जो भगवान गणेश को देकर विद्या प्रदाता गणेश जी को बनवाया आज तुझे प्रदान कर रहा हूँ गोपनीयम 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 परात्परम शिष्यानाम हित कामया मया प्रोक्तम वरानने जो इसको सिद्ध करके मेरे शिष्य इसको प्रदान करते हैं उनको इस विद्या की सिद्धि प्राप्त होती है और वो विद्यावान बनता है किम बहुना ये गोपनीय है और ये सिद्धि प्रद है निश्चित वह सिद्धि को प्राप्त करता है ऐसा कहा और मैं उसी मंत्र की सिद्धि के लिए गिरनार पर्वत पर गया। इस मंत्र को अगर धारण करते हैं मुद्रिका के रूप में और मंत्र को करते हैं तो यंत्र के बारे में शिवजी कहते हैं यंत्र निष्पाद्य देवेशी मुद्रिकायां समालिखे प्रातरुत्थाय ताम मुद्रिका दृष्ट्वा दुःखे निलिप्यते इस मुद्रिका को धारण करने वाला सुबह उठकर उस मुद्रिका को देखता है तो उसको दुख प्राप्त किसी प्रकार का दुख भी प्राप्त नहीं होता
प्रक्षाल्य जलमध्ये तो मुद्रिकाम मुख धावनम, अपने हाथ को मुद्रिका लगा लेकर उस हाथ से अपना मुख धो लेते हैं तो हम किसी प्रकार के रोगों से पीड़ित नहीं होते और अपने को देखने के बाद किसी को ऊपर अपने पर द्वेष भाव नहीं आता और हम हमारा मुख आकर्षणीय होता है, आकर्षणीय कहलाता है, देवता भी हमारे मुख को देखकर प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। कुरुते यो नरो देवी न या दुख प्रबाधते बालस्य कंठम संलग्नम यंत्रम दुष्कृति नाशनम। अगर किसी बालक के गले में इस यंत्र को बांध दिया जाए तो पूर्व जन्म में इस जन्म में अगर कुछ दुष्कृति के कारण उसका आरोग्य खराब हो गया हो, उसकी बीमारी लग गई हो, बच्चा किसी पाप के कारण अपना विद्यावान नहीं हो रहा हो, आरोग्य प्राप्त कर रहा हो, तो इस यंत्र के केवल धारण मात्र से वह इन सारे गुणों से सारे दुष्कृतों से हटकर वो श्रेष्ठ बालक कहलाया जाता है। महायंत्रम वरारोहे भंडागारे तो निक्षिपे, इस यंत्र को अगर अपने घर के धन के स्थान पर धान्य के स्थान पर रखा जाता है, कुबेर इव वित्ताढ्यो जायते मंडलाप्रिय यही समाख्यातम महायंत्रम प्राप्तम। धन के पास अगर इस यंत्र को रखा जाए तो धन की वृद्धि कुबेर के समान वो श्रेष्ठ धन धान्य से परिपूर्ण कहा जाता है। तो ऐसे यंत्र को मैं सिद्ध करके आपके लिए लाया हूँ, 15 मिनट का समय देता हूँ, आप उस यंत्र को लेकर आ जाएं, मैं आपको सिद्धि का विधान बताता हूँ इसे क्या करना है। तब तक एक भजन सुनाऊं, बोलो बोलो परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की। इस यंत्र को धारण करने वाले छोटे बच्चे भी मूर्ख बालक भी विद्यावान कहलाते हैं और अपने जीवन में कुछ दुख हो तो केवल मुद्रिका धारण करने मात्र से।